नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक लेटेस्ट न्यूज़ है, एक अपडेट है जिसमें कुछ टीचर्स की वैकेंसी आई हुई है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इसी महीने आपको अप्लाई करना है और ये टोटल 8,000 टीचर वैकेंसीज है जिसका विस्तृत विज्ञापन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो के साथ 2 से 3 मिनट तक बने रहें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें जिससे आपको ऐसे नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। घंटी का निशान भी दबा दें। तो एक वेबसाइट की खबर के अकॉर्डिंग ये टीचर्स की वैकेंसी जो है वो सेंटर लेवल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, आर्मी पब्लिक स्कूल। आप स्क्रीन पर इसका एडवर्टाइजमेंट देख पा रहे हैं। तो आर्मी पब्लिक स्कूल शिक्षक भर्ती जो है इसमें पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसीज है। टोटल 8,000 वैकेंसीज यहां पर दर्शाई जा रही है। सेना कल्याण शिक्षा सोसाइटी, आर्मी वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी है उसमें ये भर्ती है। इसमें पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सभी तरह की रिक्रूटमेंट सम्मिलित है। इसमें आपको स्क्रीनिंग टेस्ट से गुजरना होता है, कुछ इसके बाद में आपका टीचिंग स्किल चेक किया जाता है, उसके लिए बाकायदा इंटरव्यू रखा जाता है। तो इन पात्र उम्मीदवारों को ये आवेदन आपको 21 सितंबर 2019 यानी 22 तारीख से पहले पहले ये आपको एप्लीकेशन इसकी जमा करवा देनी चाहिए। सर, में आर्मी कैंट्स के जो 137 आर्मी पब्लिक स्कूल है वहाँ पर ये टीचर्स के पोस्टिंग दी जाएगी और इसके लगभग 8,000 पद बताए जा रहे हैं, लेकिन इसकी एग्जैक्ट संख्या जो है वो बाद में पता चलेगी क्योंकि ये मैनेजमेंट तय करता है कि कितने लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। टीचिंग स्किल बेस्ड इसका इंटरव्यू भी इस चयन का आधार होता है और रिक्तियों की अंतिम संख्या जो है वो मैनेजमेंट के द्वारा ही निर्धारित की जाएगी। फ्रेंड्स, इसका एग्जामिनेशन फी 500 रुपीज़ है जिसका भुगतान आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से इसका भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसकी महत्वपूर्ण तिथियां अगर आप देखते हैं तो आवेदन इसी महीने की 22 तारीख तक आपको आवेदन करना है और परीक्षा की तिथि है वो 20 अक्टूबर 2019 है। तो अगर आप सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं और बीच में आपको अगर वैकेंसी नहीं आई हुई है तो ये वैकेंसी आपके लिए बेस्ट हो सकती है। यहाँ पर आप काम करेंगे, ऑल इंडिया लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप केवीएस में या नवोदय में जाना चाहते हैं तो वहां पर इंटरव्यू में आपको इसका बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो इसमें पीजीटी के लिए 50% अंकों के साथ बीएड और पीजी होना जरूरी है। साथ ही साथ टीजीटी में 50% के साथ स्नातक यानी ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए। पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है और टीजीटी के लिए ग्रेजुएट और इसके अलावा पीआरटी में ग्रेजुएशन प्लस बीएड हो सकता है या फिर 2 ईयर डिप्लोमा जो शिक्षा शास्त्र में किसी भी नाम से जाना जाता हो। फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स विशेष तौर से गवर्नमेंट वैकेंसीज के अपडेट्स लगातार प्राप्त करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान जरूर दबाएं। जय हिंद।